अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं, बड़ी कवरेज जम्मू कश्मीर में चुनाव और चुनाव का पहला चरण आज, उसी का जो रण जारी है, बड़ी कवरेज की करते हैं शुरुआत। दक्षिण कश्मीर में देखिए जो है सुरक्षा बलों के तैनाती कर दिए हैं ताकि चुनाव को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में पूरा किया जा सके। के कुछ स्पेशल बूथ्स महिला वोटर्स के लिए ही रखे गए हैं जिनको पिंक पोलिंग स्टेशन कहा गया है। मैं इतना गिर सकता हूँ, वो जो कह रहे हैं वो खुद तो यहाँ बदले रहे थे, पांच साल वो एजेंट है बीजेपी के। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो भी बिना 370। इतिहास जम्मू कश्मीर में रचा जा रहा है। और आपको बताते हैं सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, मतलब जम्मू कश्मीर में वोटिंग का 1 घंटा पूरा हो चुका है। पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही है। आज 24 सीटों पर मतदान हो रहा है और ये जो 24 सीटें हैं वो 7 जिलों में फैली हुई है। जम्मू कश्मीर में पहले दौर के लिए ये वोटिंग हो रही है, पहला चरण, 24 सीटें, 7 जिले, 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। करीब 23,28,000 वोटर्स हैं जो 219 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। 35 से हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में शुरुआती 1 घंटे की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग बढ़ चढ़कर बुनियादी मुद्दों के लिए वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस चुनाव से जुड़ी पहले चरण की बड़ी बातें क्या हैं, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर हमारी सहयोगी पूजा के पास। पूजा जी रोमाना, देखिए इस बार पहले चरण में जो महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी, वो अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। और पहली बात उसमें सबसे अहम ये है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। 10 सालों के बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इससे पहले 2014 में चुनाव हुए थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 जिले और 24 सीटें जिन पर पहले फेज में वोटिंग हो रही है, जम्मू के 3 और कश्मीर के 4 जिलों को आज पहले फेज की वोटिंग में कवर किया जाएगा। जम्मू की 8 सीटें और कश्मीर की 16 सीटें, तो सीटों के हिसाब से अगर देखें तो यह है आंकड़ा जिस पर आज पहले फेज में मतदान। और सबसे ज्यादा देखिए अनंतनाग जिले की सीटों पर आज वोटिंग होनी है, 7 सीटों का यह आंकड़ा है। आतंक प्रभावित साउथ कश्मीर के भी 4 जिले पहले फेज की वोटिंग में ही कवर हो रहे हैं। 8वीं महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए, 219 उम्मीदवार है जिनकी राजनीतिक किस्मत आज दांव पर है। 23 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं और 4 सीटें ऐसी जिन पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच फ्रेंडली फाइट आपको देखने को मिलेगी। जीरो माना